नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गैजेट स्टॉक्स में। दोस्तों, अगर आप लोग के पास एंजल वन या फिर ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इजीली अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, और जो ये साइकोलॉजिकल रूल्स है, देखिए आपको कोई भी आपको टेक्निक्स, कोई भी पैटर्न्स, ये सब सीखने में आपको कितना दिन लगेगा? हार्डली 1 महीना के अंदर आप मतलब पूरा एक्सपर्ट हो जाओगे। कोई भी आप टेक्निक्स, कोई भी पैटर्न्स, कोई भी स्ट्रेटजीज सीखने में, ये आपको सिर्फ 1 महीने के अंदर हो जाएगा। बट अगर आप चाहोगे कि मैं साइकोलॉजिकल रूल्स पे, जो एक एक रूल्स है डेली ट्रेडिंग रूल्स पे, आप पूरा एकदम फुल फोकस्ड होकर उसमें काम करेंगे, तो ये आपको दोस्तों सालों साल लग जाएंगे। क्योंकि आप बाहरी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, बाहरी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो, बट इंटरनल जो आपके अंदर है उसको मॉडिफाई करना या उसको स्ट्रांग बनाना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ये जो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको पूरा पूरी हेल्प करेगा कि आप अपने साइकोलॉजिकल रूल्स को इस पॉइंट्स के जरिए, इन पॉइंट्स के जरिए कैसे आप मजबूत बना सकते हो। सो काइंडली फॉलो इट। ओके, सो कम टू द चार्ट। टुमारोस इंट्राडे स्टॉक। सो बिफोर गोइंग टू द स्टॉक, आई विल से हैप्पी संडे टू यू ऑल। ओके, सबसे पहले मैं रैमको सीमेंट ही क्यों चूज किया, इसके पीछे एक है कि देखिए आज मैंने रैंडमली कोई स्टॉक सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, रैंडमली कोई भी स्टॉक हमने सिलेक्ट नहीं किया। आज हमने एक चीज देखा है, आपने अगर मार्केट को अपने क्लोजली मॉनिटर किया है तो आप देखे होंगे अल्ट्राटेक टोटल सीमेंट सेक्टर में ही, टोटल सीमेंट सेक्टर में ही एक जबरदस्त फॉल आया हुआ है। राइट, टोटल सीमेंट सेक्टर में ही एक जबरदस्त फॉल आया हुआ है। तो अभी या तो ये पूरा कंटिन्यू करेगा फॉल को, या फिर यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल देगा। जो भी होगा हम उसके साथ चलेंगे। राइट, सो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मार्केट यहाँ पे जैसे ही इसमें देखिए इसमें फॉल आया, और इसमें कम से कम 8% 9% के आसपास, 10% के आसपास इसमें फॉल आया हुआ है, और ज़बरदस्त तरीके से फॉल आया हुआ है। ठीक है, अभी कल के डेट में अगर ये यहाँ से सस्टेन करता है दोस्तों, अगर आप देखें, अगर यहाँ से सस्टेन, ये मार्केट खुलने के बाद अगर मार्केट बहुत अच्छा रहा और ये इस पॉइंट के ऊपर अगर यहाँ सस्टेन करेगा, और सस्टेन करने के बाद ये आप जब तक ये सस्टेन करेगा तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, और सस्टेन करने के बाद एक लॉन्ग रेंज पे आपको अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, देन यू विल टेक एंट्री हेयर। ओके, और यहाँ पे एक शॉर्ट, आपको शॉर्ट यहाँ पे मिल सकता है, एक शॉर्ट, एक कवरिंग मिल सकती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एक ऐसा पैटर्न हो सकता है कि सिंपल एक वेव टाइप का पैटर्न, यहाँ से जाके फिर ये टच करते हुए नीचे की तरफ मूवमेंट दे। ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर ये साइडवेज जा सकता है। अगर हम यहाँ पे अगर देखें पैटर्न में, अगर इसको थोड़ा सा बड़े उसमें आकार में देखें, तो यहाँ पे एक हैमर टाइप का, छोटा मोटा हैमर हम बोल सकते हैं, पूरा प्रॉपर हैमर तो है नहीं, लेकिन एक छोटा मोटा हैमर यहाँ पे बोल सकते हो। तो ये यहाँ से भी एक ट्रेंड रिवर्सल का पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगर ट्रेंड रिवर्सल हुआ जैसे मैंने आपको बताया, तो आप ये जो बाइंग टारगेट्स हैं, बाइंग आपको यहाँ 6:20-6:39 के ऊपर आपको बाई करना है, 6:45 हम लोग का जो मेजर प्रायोरिटी रहता है इसको आपको अचीव करना है, उसके बाद जाकर 6:51 आपका सेकेंड टारगेट रहेगा विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। राइट, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 5 पॉइंट्स नहीं, स्टॉप लॉस आपका 4 पॉइंट्स है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, स्टॉप लॉस आपका 4 पॉइंट्स ही रहेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से कीजिएगा। और यहाँ पे आपका देखिए, अगर मार्केट खुलने के बाद यहाँ से आपको एक गैप डाउन अच्छा मिले, अगर आपका गैप डाउन मिलता है, मान लीजिए यहाँ से आपने मार्केट खोला और सीधा आपका टारगेट के नीचे आपका मार्केट यहाँ पे बड़े एक कैंडल से आपको एक खुल गया, तब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका जो सेकेंड कैंडल, जो पाइवोट लो या पाइवोट हाई बनाएगा वो कैसे है। अगर इसका सेकेंड कैंडल भी यहाँ से ये ब्रेक करके नीचे की तरफ, इसको जिसका जो लो है इसको ब्रेक करके अगर नीचे की तरफ निकल जाए यहाँ से और एक कैंडल बन जाता है, तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट सेल इजीली पोजीशन बना के आप जा सकते हो। बट आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये पाइवोट लो या पाइवोट हाई ना बना दे। और अगर ये यहाँ से इसने गैप डाउन दिया, गैप डाउन देने के बाद इसका जो सेकंड कैंडल, इसका जो हाई को ब्रेक करके अपसाइड निकले और फिर जाके ये इसको गैप को फिल करते हुए ऊपर की साइड निकले, तो यहाँ पे आप
कॉल लेके ये सॉरी बाय करके चल सकते हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी कुछ भी है। देखिए मैं ना ही कभी मार्केट में बुलिश रहता हूँ ना ही बेयरिश रहता हूँ, मुझे जो पोजीशन दिखता है लाइव मार्केट में मैं उसी के अनुसार ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मैं उसी के अनुसार ट्रेड करता हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ क्या है नहीं है और कैसे करना है, जो मुझे दिख रहा है मैं उसी पे अपना काम करता हूँ। आपको भी ऐसे ही ट्रेड लेना है। तो ये रहा कल का ट्रेड, रैमको सीमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा होना चाहिए। और ये आप लोग बोलेंगे ऑलरेडी इतना डाउन हो रखा है, इसको क्यों सिलेक्ट किया? इसको इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि एक साइकोलॉजिकल ट्रेड है, इसमें ऑलरेडी टोटल सेक्टर में डाउन है, हो सकता है ये डाउनफॉल अगर कंटिन्यू हो। ओवरऑल हम लोग का जो मकसद है अर्न करना होता है, पैसे को अर्न करना होता है, पैसे अगर अर्न करेंगे जैसे भी हो हमें पैसा अर्न करना है, तो हमें पैसे अर्न करना है, इसीलिए डाउनफॉल का हम लोग फायदा लेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि कल ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में जैसे फॉल था, मंडे को हो जाए रिवर्सल, तो टोटल सीमेंट सेक्टर अपसाइड मूवमेंट है, तो हम लोग अपसाइड मूवमेंट में ही अपना अर्न कर लेंगे, राइट? तो ये रहा कल का हम लोग का लॉजिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, बाय।